नमस्कार दोस्तों, ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका राम जैन विपुल लेके आया हूँ फिर से एक और इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो। आज मैं बात करूँगा जो अक्टूबर महीने में होने वाली है कार लॉन्च। जो 8 कार है वो अक्टूबर महीने में यानी कि इस महीने में लॉन्च करने वाली है। उस कारों के बारे में हम बात करेंगे जो हम बरसों से इंतज़ार करने वाले करते आ रहे हैं। वो सेंट्रो भी इस महीने लॉन्च होने वाली है। महिंद्रा की एसयूवी भी इस महीने लॉन्च होने वाली है। बहुत सी कारें इस महीने लॉन्च होने वाली है। ये वीडियो एंड तक देखते रहिए और इसी कारों के बारे में मैं बात करूंगा आपको आज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फोर्ड फिगो एशियार। फोर्ड इंडिया में अपनी फिगो एशियार का फेसलिफ्ट वेरिएंट 4 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रही है। वर्ष 2015 के बाद पहली बार इस कार में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कंपनी इसमें फोर्ड फिशियाइट कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर वाला नया 1.2 लीटर ड्रैग सीरीज पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन देगी। इस कार की अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। फोर्ड फिगो 4 अक्टूबर को लॉन्च करने वाली है यानी कि ये कल लॉन्च हो चुकी है। उसकी वीडियो भी आएगी, मैं बना के दे दूंगा। आप चेक कर सकते हैं इसकी पूरी डिटेल जो ये कल हो चुकी है लॉन्च 4 अक्टूबर को, इसकी वीडियो मैं बना दूंगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कार के बारे में। जो हमारी नेक्स्ट कार है वो है होंडा सीआरवी। इसी साल फरवरी में हुई 2018 ऑटो एक्सपो में दौरान होंडा ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन सीआरवी को पेश किया था। आपको मालूम ही होगा अब कंपनी अपनी इस कार को 9 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रही है। इसमें 1.6 लीटर डीजल इंजन और 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। यही इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही विकल्प में आएगा। कंपनी इसकी कीमत 25 लाख रुपए से शुरू कर सकती है। आपको पता ही है होंडा की कारें सभी होती है वो कीमत उसमें ज़्यादा ही होती है, तो इसका भी अनुमान हम लगा सकते हैं 25 लाख से ऊपर हो सकती है। जब लॉन्च होगी तो मैं इसकी वीडियो भी डिटेल से बना दूंगा, कितनी प्राइस है क्या चेंजेस हुआ है वो सब कुछ भी बता दूंगा। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कार के बारे में जिसका नाम है इसुजु MUX फेस्ट लिप। इसुजु अपनी फ्लैगशिप कार को भारत में अक्टूबर के मध्य यानी 16 अक्टूबर को लॉन्च कर सकती है। इसके एक्सटीरियर में नया फ्रंट बम्पर, LED प्रोजेक्ट हेडलैम्प और LED DRL शामिल है बदलाव किए जाएंगे। इसी नए SUV में 18 इंच का नया अलॉय व्हील दिया जाएगा। कंपनी इसके इंजन में प्रमुख बदलाव करेगी यानी इसमें नया 1.9 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार डीजल इंजन दिया जाएगा जो 138 BHP की पावर जनरेट और 350 NM का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी इसकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपये से शुरू कर सकती है। अब हम बात करते हैं डेंसन गो के बारे में। डेंसन की छोटी कार गो का फेसलिफ्ट मॉडल कंपनी इसी महीने लॉन्च करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इसे 9 अक्टूबर को लॉन्च करेगी। आपको बता दी कि कुछ समय नई गो और टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। नई गो में भी काफ़ी नए बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ नए फीचर को भी शामिल किया जाएगा जैसे कि कार में टच स्क्रीन इंफोमेंट सिस्टम, नए एलो देखने को मिलेंगे। इंजन की बात करें तो कार में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा। इस कार में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाएगा। कंपनी इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से 30 से 50 हज़ार रुपये ज़्यादा यानी कि 3.31 लाख से करीब 4.56 लाख रुपए तक बीच रख सकती है ऐसा मन है। आपको आगे इसकी वीडियो देखनी है तो देख सकते हैं। मैं इसकी डिटेल बनाइए क्या कुछ चेंजेस कर सकती हो और दूसरी वीडियो में जब लॉन्च होगी उसी दिन भी बना दूंगा क्या कुछ बदलाव किए हैं। तो ये भी होने वाली है 9 अक्टूबर को लॉन्च। दूसरी है डेंसन गो प्लस वेरियंट, वो लॉन्च होने वाली है।
डेनसन गो के साथ कंपनी गो प्लस को भी नए अवतार में लॉन्च करेगी। यह 7 सीटर कार है जो अब नए लेआउट में आएगी, यानी अब इसके लुक में लेकर केबिन तक में काफ़ी नया देखने को मिलेगा। जैसे इसमें नई हेडलाइट, नया बम्पर, नई ग्रिल, टेल लाइट में LED DRLs देखने को मिलेंगे। कार को पावर देने के लिए इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन होगा। यह इंजन सभी भी मौजूदा मॉडल को पावर दे रहा है। कंपनी इसकी शुरुआती कीमत 4 से 4.5 लाख रुपये रख सकती है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कार के बारे में, टाटा टियागो GTM। इस कार को पहली बार फरवरी में हुआ ऑटो एक्सपो के दौरान देखा गया था। कंपनी इस कार को 10 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रही है। टाटा टियागो के इस नए वेरिएंट ने नए ग्रिल, बम्पर समेत अन्य बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें 1.2 लीटर टर्बो चार 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस होगा। इसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाएगा और इसमें कंपनी अक्टूबर के अंत तक लॉन्च कर सकती है। इस कंपनी इसकी शुरुआती कीमत 6 लाख रुपये रख सकती है। यह भी इसी महीने की अंत तक या 10 अक्टूबर में हो जाएगी, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये पता चल गया है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कार के बारे में, जिसका नाम है महिंद्रा SUV 700। महिंद्रा अपनी दमदार SUV अक्टूबर महीने की 20 तारीख को लॉन्च कर सकती है। महिंद्रा की यह अब तक की सबसे शानदार और महंगी कार होगी और इसमें ABS, EBD और 9 एयरबैग समेत कई सेफ्टी फीचर दिए जाएंगे। कंपनी इसकी अनुमानित कीमत 14 लाख रुपये शुरू कर सकती है। अभी तक तो फिलहाल इतनी डिटेल आ पाई है, कौन सा और कितना इंजन होगा, क्या कुछ होगा, इसमें अभी कुछ मालूम नहीं पड़ा है। जब ये लॉन्च होगी तो इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा आपको। जब भी सारी कारें जिस दिन लॉन्च होंगी उसके बारे में, सबके बारे में वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि क्या कुछ हुआ है, कितनी सीसी की है, क्या क्या है, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं सबकी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कार के बारे में, जिसको लोगों को कई वर्षों से इंतज़ार था कि ये कब आ रही है, कब आएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आने वाली है, नहीं आने वाली है। फिलहाल वो आ रही है 23 अक्टूबर को, होंडाई सेंट्रो। इस कार में पुरानी ग्रैंड i20 वाला 1.1 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला ऑल्टो के टेन, टाटा टियागो और रेनो क्विड से होगा। कंपनी इसकी अनुमानित कीमत 3.5 लाख से लेकर 5.5 लाख के बीच में रख सकती है। तो ये थे हमारी कुछ कारें जो इस महीने अक्टूबर को होने वाली है लॉन्च, जो 8 कारें वो होगी लॉन्च। आपको पता ही है कि दिवाली अभी नज़दीक आ रही है, इसलिए सभी कंपनियां अपनी अपनी कारें है जो लॉन्च कर रही है, इसलिए इस महीने लॉन्च कर रही है। बहुत ही ज़्यादा लॉन्चिंग है इस महीने में। तो ये मैं आपको सभी कारों के डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपको अगर हमारा ये वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके जाना, और कमेंट कुछ भी करना, अच्छा या बुरा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको आगे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। आप जहाँ भी रहे वहाँ सुखी रहे।